जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले। दोस्तों, हाल ही के दिनों में हमने देखा कि भारत के जो रक्षा उपकरण हैं, जिसमें आर्टिलरी, रेडार्स और जो मिसाइल्स हैं, इनकी डिमांड ग्लोबली बहुत ज़्यादा बढ़ी है। दुनिया के तमाम देश हैं जो भारत से मिसाइल्स खरीदना चाहते हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी की हैं। कुछ देश भारत से आर्टिलरी खरीदना चाहते हैं, कुछ देशों की नज़र भारत के ड्रोन डेवलपमेंट पे है, तो कुछ देश भारत से जो दूसरे रक्षा उपकरण हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसको लेकर के इच्छुक हैं। लेकिन हाल ही में एक एग्जीबिशन है जिसका नाम है लैटिन अमेरिकन डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्जीबिशन, जिसको हम लार्ड 2023 के नाम से जानते हैं, जो कि 11 से लेकर के 14 अप्रैल तक ब्राजील में आयोजित किया गया था। यहां से एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जहां पर यह क्लेम किया जा रहा है कि इस समय भारत की जो अस्त्र मिसाइल है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। आखिरकार वो कौन सा देश है जो अस्त्र खरीदने के लिए इतना इच्छुक है? आइए इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करते हैं आज के अपने इस वीडियो पे। दरअसल मार्च 2023 में भारतीय वायुसेना प्रमुख के एक दौरे के दौरान, जो कि साउथ अमेरिकी देश का था, वहां पर ये अनाउंस किया गया था कि भारत भी इस रीजन में आयोजित किए जाने वाले सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो में पार्टिसिपेट करेगा। और हाल ही में ब्राजील के द्वारा भारत के जो रेडार्स हैं, इनको खरीदने की जो इच्छा है वो व्यक्त करी गई है। अब अगर हम लार्ट 2023 की बात करें, तो यहाँ पर भारत के कई लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ब्रह्मोस एरोस्पेस, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मजगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड और कानपुर स्थित MQ लिमिटेड ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2022 में MKU लिमिटेड को एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्राजील से प्राप्त हुआ था, जहां पर इनके द्वारा 14,500 की संख्या में जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, ये ब्राजील की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को डिलीवर करी गई हैं। वहीं ब्राजीलियन आर्मी के लिए जो नाइट विजन मोनोकुलर हैं, इनका ऑर्डर भी MKU को मिला था। वहीं अगर हम DRDO की बात करें, तो DRDO ने इस एग्जीबिशन में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, नेत्रवैक, रुस्तम मार्क 1 और रुस्तम मार्क 2, आकाश मिसाइल सिस्टम, अस्त्र मिसाइल, पिनाका MBRL, वैप, LFDSX और इसके अलावा एडवांस टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम जिसका नाम मारीच है, बुलेट प्रूफ जैकेट और दूसरे जो अत्याधुनिक उपकरण हैं वो वहां पर प्रस्तुत किए। रिपोर्ट्स ये क्लेम करती हैं कि कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा यहां पर ये चीज़ें अट्रैक्टिव लगी हैं, और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि आने वाले निकट भविष्य में जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उस पर काफ़ी इजाफा भी हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी रिपोर्ट जो यहाँ पर निकल के आई है वो है अल्जीरिया को लेकर के। अल्जीरिया ने भारत की अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल है उसको लेकर के अपना जो इंटरेस्ट है वो व्यक्त किया है। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पे भी उनकी विशेष रुचि देखी गई है। अल्जीरियन एयरफोर्स की बात करें तो वो बड़ी संख्या में MiG-29, SU-24 और SU-30 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं इनको ऑपरेट करते हैं, जो कि रशियन ओरिजिन की हैं। और इनमें अगर हम BBR मिसाइल्स की बात करें तो वो R-77 पे ही हैवीली डिपेंडेंट हैं, और इसीलिए अब वो दूसरे ऑप्शंस की तलाश में हैं, और उनकी ये जो खोज है ये अस्त्र मार्क 1 में आकर के पूरी हो सकती है। खुद अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो काफी लंबे समय से भारतीय वायुसेना भी जो रशियन ओरिजिन के फाइटर जेट्स हैं और मिसाइल्स हैं इन पे ही डिपेंडेंट रही है। लेकिन क्योंकि अब भारतीय वायुसेना ने खुद अपने Sukhoi-30 MKI और MiG-29 UPG को स्वदेश निर्मित अस्त्र मिसाइल से इक्विप करना शुरू किया है, तो इससे जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा बढ़ा है, और इसीलिए माना जा रहा है कि भारत को अस्त्र मिसाइल्स के जो बड़े ऑर्डर हैं वो निकट भविष्य में बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम भारतीय वायुसेना की खुद की इन्वेंट्री पर नजर डालें तो जो इम्पोर्टेड एयर टू एयर मिसाइल्स हैं इन्होंने काफी लंबे समय से डोमिनेट किया हुआ है। अगर हम शॉर्ट रेंज से शुरुआत करें, यानी विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट, जो कि तकरीबन 30 किलोमीटर के दायरे पर होती है, इस पे हम बात करें तो भारतीय वायुसेना अभी भी हैवीली डिपेंडेंट है इम्पोर्टेड मिसाइल में, जिसमें सोवियत इराक की वेम्पल R-73, इसराइल की पाइथन 4 और पाइथन 5 जो कि 5th जनरेशन शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसके अलावा एशरैम जिसका निर्माण MBDA के द्वारा किया जाता है, और पुरानी मिसाइल्स में अगर हम बात करें तो R-550 मैजिक 2 जैसी जो मिसाइल्स हैं ये भारतीय वायुसेना के इन्वेंट्री का हिस्सा हैं। यहाँ पर जो मैजिक 2 और दूसरी R-73 जैसी मिसाइल्स हैं ये काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं और अब इनको रिप्लेस भी किया जा रहा है। लेकिन इनके तुलना में जो एशरैम और पाइथन 5 जैसी मिसाइल्स हैं ये काफ़ी नई हैं और आने वाले कई वर्षों तक ये भारतीय वायुसेना की सर्विस में बनी रहेंगी।
अब अगर हम मीडियम रेंज कॉम्बैट की बात करें जो कि तकरीबन 50 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूरी तक होती है, तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इजरायली आई डर्बी और जो मीका मिसाइल है जिसका निर्माण MBDA के द्वारा किया जाता है उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन जब बात आती है बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैटेगरी की, तो यहाँ पर जो सीन है वो पूरी तरीके से अब चेंज होता दिखाई पड़ रहा है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं, आइए जान लेते हैं। दोस्तों BVR कैटेगरी की जो मिसाइल होती हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होती है किसी भी कॉम्बैट के लिए। भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30M के आई फाइटर जेट में अभी तक जो R-77 मिसाइल है इस पे ही हैवीली डिपेंडेंट थी, लेकिन जब से राफेल भारत में आए हैं तो उनके साथ जो MBDA की सबसे घातक बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल मीटियोर है, ये भी भारत पहुंच चुकी है और इससे भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो काफी ज्यादा बढ़ी है। वहीं अब भारतीय वायुसेना नए सिलसिलेवार तरीके से अस्त्र मार्क 1 का जो इंटीग्रेशन है वो सुखोई 30 MKI में लगभग पूरा कर चुकी है और अब MiG-29 और जो तेजस मार्क 1 जैसे फाइटर जेट्स हैं इनको भी इस मिसाइल से इक्विप किया जा रहा है। इनफैक्ट भारतीय नौसेना के जो MiG-29 के फाइटर जेट्स हैं उनमें भी इन मिसाइल्स का जो इंटीग्रेशन है वो शुरू हो चुका है। 6 जून 2022 भारत के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा 2971 करोड़ रुपए की एक डील भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ साइन करी जाती है, जहां पर अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के जो ऑर्डर्स हैं वो दिए जाते हैं और ये ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के लिए होते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि अस्त्र मिसाइल कैसे भारतीय वायुसेना की जो एयर सुपियोरिटी है इसको वापस लेके आ रही है। अस्त्र मिसाइल की जो रेंज है वो 110 किलोमीटर से ज्यादा है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो Mach 4.5 की है, यानी तकरीबन 5,500 किलोमीटर प्रति घंटे की। अस्त्र मार्क 1 को डिफेंस एनालिस्ट एक गेम चेंजर के तौर पर देखते हैं, क्योंकि ये भारतीय वायुसेना की पुरानी एयर टू एयर कॉम्बैट सुप्रीमेसी को वापस लेकर के आ रही है और अपने एडवर्सरी की तुलना में भारतीय वायुसेना की जो ताकत है उसको भी ये काफी ज्यादा बढ़ा रही है। अस्त्र मार्क 1 भारत की पहली स्वदेशी तौर पर विकसित करी गई एयर टू एयर मिसाइल है, जिसका निर्माण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है और इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। यह जो मिसाइल है ये अलग प्रकार के जो एरियल टारगेट्स हैं इनको इंगेज करने में कैपेबल है और इसकी जो रेंज है वो 10 किलोमीटर से लेकर के 110 किलोमीटर तक होती है और यहाँ पर ये विद इन विजुअल रेंज या बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो कॉम्बैट है उसमें काफी ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। अस्त्र मार्क 1 के अगर हम गाइडेंस सिस्टम की बात करें तो इसमें मल्टी मोड गाइडेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और डेटा लिंक होते हैं मिड कोर्स गाइडेंस के लिए। वहीं अगर हम टर्मिनल गाइडेंस की बात करें तो वहां पर एक्टिव रेडार होमिंग का इस्तेमाल इस मिसाइल के द्वारा किया जाता है। अस्त्र मिसाइल का जो एक्टिव रेडार सीकर है ये जो एरियल टारगेट्स हैं जिनका रेडार क्रॉस सेक्शन 5 मीटर स्क्वायर का है इन्हें 15 किलोमीटर की दूरी तक से ही डिटेक्ट करने में और लॉक करने में सक्षम है और एक बार जब ये मिसाइल टारगेट पे लॉक होती है तो ये उसे ध्वस्त करके ही वापस आती है। इस मिसाइल की स्पीड की बात करें तो हमने आपको पहले भी बताया कि इसकी स्पीड Mach 4.5 की है। वहीं इसका जो मैक्सिमम फ्लाइट एल्टीट्यूड है वो 66,000 फीट का है, यानी ये मिसाइल काफी ज्यादा कैपेबल मिसाइल है अपने कैटेगरी में। और जब इसके ट्रायल आयोजित किए जा रहे थे तो इसने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया है। अगर हम 17 सितंबर 2019 की बात करें तो अपने ट्रायल के दौरान अस्त्र मिसाइल ने एक लाइव टारगेट जो कि 90 किलोमीटर की दूरी पर था उसको सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया था, जो कि इसके बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी का एक जीता जागता प्रमाण था। और ये जो मिसाइल है ये 15 किलोग्राम तक के जो हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड वॉरहेड हैं उनको कैरी करती है, जो कि प्रॉक्सिमिटी फ्यूज के साथ में आते हैं जो कि इसकी हिट प्रोबेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। इसे अलग अलग मोड्स में फायर किया जा सकता है, यानी लॉक ऑन आफ्टर या लॉक ऑन बिफोर जो मोड्स हैं उनमें ये फायर करी जा सकती है। तो अब यहाँ पर जो अलग अलग देश हैं वो इसको खरीदने के लिए इच्छुक हैं और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी इसका जो एक बड़ा ऑर्डर है वो हमें देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।